नमस्ते सभी को। तो आज हम बात कर रहे हैं राम सेतु के बारे में। फाइनली मैंने आज राम सेतु देख ली और जैसे इंतजार का फल मीठा होता है वैसे इंतजार का फल इस बार बहुत ज्यादा मीठा था। सही बात है, आप इसकी रेटिंग दिख रहे हैं IMDb की रेटिंग भी मत जाना। पहली बात तो ये मूवी एक वन टाइम मतलब ये मूवी देखने लायक है और थिएटर में जो एक्सपीरियंस है जिस तरह से हमने जो फैक्ट रखे हैं। और सबसे जरूरी बात, इस मूवी में एक भी गाना नहीं था, इसके कारण मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। पहली बात तो हमने आपको मूवी सीरियसली लेती है, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में यहाँ पे सीरियस स्टोरी चल रही है बीच में चलो गाना चल जाएगा डांस चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जबरदस्ती में यहाँ पे लव स्टोरी घुसने की कोशिश नहीं करी है। मूवी का लव जिस तरह से है मतलब दिखाया है, मतलब जिस तरह से सीरियसनेस मेंटेन कर रखी है, स्टोरी लाइन मतलब आखिर के 10 मिनट होते हैं जो उसके कारण मूवी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। आखिर के 10 मिनट में जो एक्शन वगैरह है और आखिर के जो सस्पेंस खुलता है, जो सीक्रेट्स खुलते हैं पुलिस को देखते हैं, मतलब पहली बार तो मजा आता है। मतलब बात करूँ इसकी स्टोरी, देखिए इसकी स्टोरी पहली बार तो अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो स्टार्टिंग में देखिए इसकी स्टोरी थोड़ी एवरेज लगी मेरे को। पर इससे जो कॉन्सेप्ट दिखाया है, नास्तिक बंदा जो भगवान में नहीं मानता और इस नास्तिक राम सेतु गलत साबित करना चाहता है कि राम सेतु मैन मेड एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको लेके बात करता है। पर ना जैसे जैसे आगे जाता है तो उसको कैसे विश्वास बढ़ जाता है और किस तरह से वो जाके मतलब फाइनल के जो 10 मिनट वो वर्थ इट लगते हैं, जिसके तरह से वो बताता है कि राम सेतु असली में हमारा इतिहास है, मतलब इट डज हैपन। और इसके जो डायलॉग है वो डायलॉग काफी अच्छे थे। मतलब इसके कुछ मतलब जो डायलॉग है पहले देख के लगता है कि थोड़े मतलब अगर आप केला में देखेंगे तो लगता है थोड़े ओवर कर दिया, पर आप उसको मूवी के उस परसेप्ट देखेंगे जब उसमें जिस तरह से दिखाया है सिचुएशन है उसमें मतलब बहुत अच्छे लगे। और जो क्योंकि डाउट जैसे कि मसाल लेके क्यों जा रहा है, पर मसाल लेके क्यों जा रहा है उसमें बाद में लोगों को पसंद लगा दिया, मतलब जिस तरह से लोग देख के मतलब अच्छा लगता है पहली बात तो। और जिस तरह से मतलब जो आखिरी का एपी कैरेक्टर है जो सत्यदेव ने प्ले किया है वो देख के मतलब गजब, मतलब वो कैरेक्टर मतलब देख के पहली बात बहुत प्यारा लगा। मतलब वो कैरेक्टर इतना प्यारा लगा मतलब मैं मतलब सही बताऊँ वो कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है उसकी वजह से आप पक्का मूवी देखेंगे। अक्षय कुमार जिस इसकी ये 5वीं मूवी है इस साल की, और जैसा कि होता है आप इतनी सारी मूवी निकाल दे तो आप धीरे धीरे आपका काम गिर जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ। अक्षय कुमार ने मूवी की इस साल की 5वीं मूवी पर इसका काम सबसे बेस्ट लगा मेरे को। सूर्यवंशम से भी अच्छा काम किया अक्षय कुमार ने, इसमें जिस तरह से सीरियस दिखाई है और बीच में लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। मतलब जिस तरह से वो स्टार्टिंग में जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलते हैं, स्पॉइलर नहीं है, लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा हो गया। पर जो राम सेतु एक ऐसी मूवी है जो मतलब एक बार देखने लायक है। आज की रेटिंग मैं पिक्चर सुपर हिट जाएगी, मैं मतलब बता दूं मैं आपको कि ये पिक्चर हिट होगी, उसका बजट अराउंड 150 करोड़ है, वो आराम से ना रिकवर कर लेगी और प्रॉफिट भी कमा लेगी। जिससे मतलब मूवी दिखाई है, मूवी देखे मुझे मजा आ जाता है। एक मूवी है जो आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जाइए और मतलब अपने दोस्तों को लेके जाइए, अपनी फैमिली को लेके जाइए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो देख नहीं सकते इसको। पर जब UA सर्टिफाइड दिया, पता नहीं यू सर्टिफिकेट नहीं दिया इसको, पर जिससे मतलब थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा ब्लड वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लड इसके अंदर दे दिया हो, पर उतना ब्लड चलता है पहली बात, उतना ब्लड तो आजकल तो सीरियल खैर जाने दो। पर ये बॉलीवुड की मतलब बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज है उससे लाख गुना अच्छी है। बॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवी कह सकते हैं इस साल की, मतलब बेस्ट मूवीज के अगर लिस्ट होगी तो उसमें मैं पक्का डालूंगा बेस्ट, शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर हाँ मतलब जो बेस्ट है मतलब 2-3 मूवी होंगी इसमें उसमें पक्का मैं उसको डालूंगा। और राम सेतु ने जो दिखाया है मतलब वो अलग एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंडिया ने बहुत समय से मांग रही थी। और आज पूरा थिएटर फुल था, हाउसफुल हो गए थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे। मैंने लोगों को देखा था एंजॉय करते हुए, जब मैंने आखिरी बार लोग कश्मीर फाइल के वक्त देखा था, RR के वक्त देखा था, मतलब जिस तरह से ये मूवी है जो एपिक्स आती है KGF वगैरह, मतलब ये उस टाइप की मूवी है ये, और उनमें थोड़ी सीरियस मतलब सीरियस है, मतलब इतनी मतलब गाना वगैरह नहीं है ये, मतलब सबसे अच्छी बात है इस मूवी की। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने पहले बता दिया आपको। इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्टिंग थोड़ा कम लगता है, जो हमने ट्रेलर में सॉन्ग सुने जो इसको लेके पंप हो जाता है, ब्लड पंपिंग सॉन्ग रहते हैं वो सेकेंड हाफ में है, इंटरवल के पहले नहीं इंटरवल है, पर वो थोड़ी मतलब लास्ट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, पर जैसे जैसे स्टोरी बढ़ जाती है वर्थ स्टोरी है। एक्टिंग मुझे सबसे पहले सबसे अच्छी है, मैंने आपको बता दी जो AP का कैरेक्टर है वो जो सत्यदेव ने प्ले किया, अक्षय कुमार की एक्टिंग अच्छी थी, जैकी फर्नांडिस ने भी काम अच्छा खासा किया है इसमें, मतलब थोड़ी मेहनत दिखती है उनकी, मतलब बाकी मूवी की तरह नहीं है। हाँ इसमें एक्टिंग अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा, स्टोरी अच्छी है, एक्शन भी इसमें मतलब एक्शन जो दिखाया है वो ना बिलीवेबल लगता है, ऐसा नहीं कि अनरियल लगी है पहली बात तो, मतलब ये रियल स्टोरी है जिससे एक्शन एडवेंचर मूवी है।
ये तो पॉजिटिव पॉइंट की बात है, उसमें थोड़ा सा बात कर रहे वीकनेस पॉइंट क्या था। मेरे को सिर्फ मूवी में एक ही उम्मीद लगी कि इनमें बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लगा मेरे को, मतलब जिस तरह से वो लैब दिखाई थी जो समरीन नाम देखी होगी, वो मेरे को देख के लगा कि वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने मतलब जो पहले बात बताई थी थोड़ा मेल नहीं खा रही थी। पर आप समझ जाएंगे ये वीक पॉइंट है, पर मैं देना चाहूंगा उस मूवी को 9/10 स्टार। और कुछ लोग कह रहे थे कि मूवी का आपने देखा होगा लोग इसको ना खराब रेटिंग दे रहे हैं, और वो खराब रेटिंग दे रहे तो मूवी अच्छी होगी, लोगों ने गॉडफादर को अच्छी रेटिंग दी तो मूवी खराब थी। तो एट दी एंड मैं कहना चाहूंगा कि अगर पता अगर आप मूवी देखते हो कमेंट बताइए आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या बॉलीवुड अब लाइन पे आ रहा है, बॉलीवुड बढ़ जा रहा है, और जिससे मैं बता दूं चंद्र प्रकाश देवी जी को एंड में मेंशन करना चाहूंगा, जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है सीरियल आता था चाड़े के नाम से, उसमें इन्हें एक्टिंग करी, उसने उसको डायरेक्ट और रिटेन किया था, उसमें उसने डायलॉग लिखे, इस कारण डायलॉग क्रिंजी नहीं लगते उसने, उसके कारण डायलॉग सही बच जाते हैं। और बस यही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि ये सीट